मर गए तो क्या करते रहे? क्या सही है सही? अरे भाई बोले कहीं को मुला पकड़ने सारे। अरे ये तो अभी कहीं बोले परमिशन लाया बोलने का बता परमिशन बता परमिशन बता। अरे छुटिया भाई इनके लड़े घर भरा वाले रहते ना कौन अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या हुआ आप भाई यहाँ पर आज? आज यहाँ पे गैस सिलेंडर लीकेज हो गया जिसकी वजह से बहुत यहाँ पे अफरा तफरी हो गई। यहाँ जो है तो पूरा गैस सिलेंडर लीकेज हो के बहुत बड़े गैस सिलेंडर थे दो। कुछ काम कराने के लिए आए थे वो टावर वाले थे। वो टावर वाले टाटा वाले थे। टाटा का कुछ टावर है कहते यहाँ पे ऊपर टावर है ऊपर। तो वो टावर वाले काम करने के लिए आए। काम के दौरान क्या हुआ वो सिलेंडर नीचे गिर गया। नीचे गिर के उसमें से गैस पूरा लीकेज होगा। लीकेज होने की वजह से पूरे अतराफ में अफरा तफरी फैल गई। सिलेंडर ब्लास्टने वाला अल्लाह का शुक्र है एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिर एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। एक सिलेंडर जो है ब्लास्टने वाला गिरने की वजह से पूरा लीकेज होगा। पूरी गैस फैल गई। अब वो लोग बोलते हैं कि गैस वो जो है सो उतनी डेंजर नहीं थी मगर वो गैस फैल गई। फैलने के बाद जो है सो अफरा तफरी का माहौल हो गया। घर में मेरे पास जो है सो ऊपर मेरी फैमिली रहती है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे। हाँ सेकंड फ्लोर पे मेरी फैमिली रहती। फर्स्ट फ्लोर पे ये हुआ सेकंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ। अब मेरे घर में जो है सो छोटे बच्चे है। मेरे वाइफ अकेले रहते घर में। दो महीने की बच्ची है मेरे को एक तीन साल की बच्ची है। अब इतना बड़ा हादसा मेरे घर के साथ हो गया। अब आगे कुछ भी हो सकता। अब उसके लिए सेफ्टी का इंतजाम क्या है? ये टावर का जो है बहुत बड़ा मसला है। थोड़े दिन पहले रेड हिल्स पे भी इतना बड़ा हादसा पेश आया। ये ऐसी हादसा होता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता था। पूरी आबादी वाला इलाका है ये। ये जरा ये कहाँ पे है? ये जो है एसी गार्ड रोड ऑपोजिट जो है ना वली कॉलोनी इनकम टैक्स टावर रोड लगती है ये यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इम्तियाज। आप सबके बीच में फिर से मौजूद हूँ। जैसा कि आज आप सबको बताया बाजारघाट में फिर से सिलेंडर लीक हुआ। ये सिलेंडर किधर लीक हुआ बोल तो अपनी न्यू तैबा जहाँ खुली संडा अंदरनी चर्च बाजारघाट की रोड पे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे सिलेंडर लीक हुआ। और ये हादसे हैदराबाद में शहर हैदराबाद में खासकर नामपल्ली में हो रहे। एक 10 से 15 दिन पहले भी एक महीना पहले रेड हिल्स पे भी एक वाकया था जिसमें एक फैमिली के पूरे 11 जने का इंतकाल हो गया था। तो ये रेसिडेंशियल एरियाज में कमर्शियल लोगों को जगह क्यों दे रहे? तो इसका जिम्मेदार है कौन? तेलंगाना पुलिस इस पर एक्शन ले रही कुछ कर रही नहीं। आखिर हुआ तो अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार रहता था परसों कैसा? अल्लाह का शुक्र है आज कुछ बड़ा हादसा तो हुआ नहीं। बस देखीजिए क्या करती है हैदराबाद की पुलिस क्या एक्शन लेती है। जज़ाकअल्लाह अल्लाह हाफिज़।